उसमें हार्ट टच करने की कोई जरूरत है? नहीं नहीं है, ऐसे उसको करने की जरूरत नहीं है ना। क्या कर रहा है वो? ऐसे ऐसे उसको रब कर रहा है। जरूरत है उसकी तो क्या है? मतलब उसने जहां भी उसने
बैड टच हुआ उसने उस चीज का प्रोटेस्ट किया, इसलिए वो बच गई। और फिर दूसरी बात ये कि उसने अपनी फ्रेंड को भी बातें बताया था, है ना। तो हमें भी अपने मम्मी पापा, अपने नियर डियर्स को बता देना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जिससे कि आप फ्यूचर में बच सको, आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो सके। राइट, आगे देखते हैं। बेटा अभी तो आप स्कूल जाओ। ये क्या था? बताओ क्या हुआ? आपके साथ भी बैड टच हो सकता है, हो सकता है। तो आप लोग को भी, आपको हो सकता है पहले पता हो, बट आप आए हो तो कुछ सीखो। ये गलत है, मुझे छू के बात मत करिए, मुझे पसंद नहीं। इस तरीके से आपको जवाब देना होता है, क्या करना है, जिससे कि जब सामने वाले को ये पता लग जाता है ना कि ये बच्चा अपने घर पे बता सकता है या फिर ये कोई एक्शन ले सकता है, तो जिस तरीके से बैड टच करने पे आपको डर लगता है ना, फिर उसके बाद उस बंदे को डर लगता है सामने वाले जिसने आपको बैड टच किया होता है कि ये कहीं बता देगी फिर मैं मारा जाऊंगा या कुछ भी हो। ठीक है, अरे बोल ना, आपको मैडम को बताना चाहिए। किसी के घर अकेले नहीं आया, बाहर जाओ और कहो मम्मी बुला रही है। बेटा
का एक गाना तो गा के सुनाओ। देखो मैं तो आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो और गाओ बेटा। ये लो चॉकलेट, इसका एक गाना गाओ बेटा। बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब हमें क्या करना है? रिएक्ट करना है। क्या करना है? अब हमें अपनी मम्मी पापा दादा दादी और टीचर को बताना है।